देहरादून से इस वक्त की एक खबर आपको बता दे, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर एक और जमाती में हुई कोरोना की पुष्टि। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 22 पॉजिटिव मरीजों में 16 जमाती, 6 दूसरे लोग शामिल कोरोना को लेकर दरअसल देखते हुए से लगातार जमातियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर संख्या जमातियों की 16 है जो पॉजिटिव पाए गए। हालांकि पूरे अगर सूबे की बात की जाए तो कुल मिलाकर 22 ये संख्या, जिसमें 6 दूसरे, लेकिन 16 जो लोग हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं जिनके सैंपल लिए गए और सैंपल पॉजिटिव पाए गए। यकीनन निजामुद्दीन औलिया की मरकज में जो जमाती वहां से अटेंड करने के बाद अपने अपने सूबों को लौटे, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और यही हाल उत्तराखंड का भी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जमाती में कोरोना की पुष्टि हुई है। लगातार ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और खासतौर पर जब से जमाती लौटे उसके बाद ये संख्या तेजी से बढ़ी है। पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। पंकज जी बताइए कि संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें सबसे ज्यादा संख्या अभी तक जो नजर आ रही है जमातियों की। बिल्कुल, जब से दिल्ली में निजामुद्दीन में जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग अपने अपने घरों की तरफ को आए हैं और उसके बाद से ये लगातार संख्या पूरे देश भर में बढ़ रही है। यूपी में भी बढ़ रही है तो उत्तराखंड में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 4 दिन पहले तक उत्तराखंड में केवल 6 मामले थे और उसमें 3 IFS थे, उसके अलावा 2 युवा थे और एक अमेरिकन था। उसके अलावा 3-4 दिनों तक उत्तराखंड में कोई मामले नहीं आया, लेकिन एकाएक ये कल और आज लगभग इसमें बहुत बड़ी संख्या उसमें आई है। लगभग 16 कल थे और आज 22 हो गए, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से ये रैपिडली बढ़ रहे हैं। और उनमें से माना जा रहा जितनी अभी तक पुष्टि हुई है उसमें जमातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 16 जमाती अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं या फिर उनसे जो जुड़े हैं। उत्तराखंड से आपसे जानना चाहेंगे, जितने जमाती यहाँ पहुंचे थे दिल्ली और वापस उत्तराखंड लौटे हैं, क्या सभी को चिन्हित कर लिया गया है, सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, चिन्हित सबको किया जा चुका है। लगभग 298 के लगभग उनको क्वारंटाइन भी किया जा चुका है। धीरे धीरे सबकी जो जांच है वो उनकी रिपोर्ट आने लगी है और मैं जैसा लगता है अभी संख्या और बढ़ने की संभावना है, हो सकता है ये काफी आश्चर्यचकित ढंग से और बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि उत्तराखंड से विभिन्न जमातों में लगभग 550 से ज्यादा यानी 600 से ज्यादा लोग गए हुए थे। अगर ये इतनी बड़ी संख्या में आता है तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा संकट और अगर कहा जाए तो इस कोरोना महामारी और बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।